जेम्स के अपर्दन की चक्की की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं पैंक मॉडल। पैंक का मॉडल क्या था अपर्दन को लेके, उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने अपना इरोजन साइकिल नहीं बोला, उन्होंने बोला लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। क्यों बोला, उसका एक कारण था। आप याद करिए, हमने जो डेविस के जो इरोजनल साइकिल पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उन्होंने बोला था लैंडफॉर्म जो है ये डेविस ने बोला था कि जो हमारा जो लैंडफॉर्म है वो एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। डेविस ने बोला था कि जो हमारा लैंडफॉर्म है वो इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक दो फोर्स के कारण लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हुआ है। और जो हमारी जो साइकिल चल रही थी डेविस की जो साइकिल चल रही थी वो किस पे चल रही थी, आपको याद होगा फेलुवियल डेवलपमेंट चल रहा था। और उसमें क्या था, उसमें प्रधान तत्व जो था उनका, जो मोस्ट फैक्टर जो उन्होंने लिया था, वो लिया था रिवर कैसे इरोजन कर रही है, वो क्या था, इरोजनल वर्क था। इरोजनल वर्क क्या था, एक्सोजेनेटिक फोर्स को उन्होंने लिया, उन्होंने इंडोजेनेटिक फोर्स को नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा, पहले लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद रिवर अपना काम चालू कर देगी और उसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये जो अपने सिंप्लीफिकेशन जो अपना जो थ्योरी थी उसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था। उन्होंने बोल दिया कि पहले डेवलपमेंट होगा, लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद इरोजन होगा चालू होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट जो हुआ है इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण वो क्या रुक गया है क्या, नहीं, हमेशा प्लेट टेक्टोनिक्स और ये जो फोर्सेस हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस, ये हमेशा कार्यरत रहते हैं, ये कभी रुकने वाले हैं नहीं। क्यों, हमने देखा था इससे पहले होम्स का जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था कि अंदर जो मैग्मा है वो कन्वेयर बेल्ट की तरह घूमता रहता है और ये जो अंदर की जो क्रियाएं हैं वो चालू रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कैसे मान लिया कि इंडोजेनेटिक जो फोर्स है लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट करके रुक गया है, लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट हो चुका है और इंडोजेनेटिक फोर्सेस ने अपना काम बंद कर दिया है, ऐसा उन्होंने उनके मॉडल से तो ऐसे ही लगता है। लेकिन जो पैंक का मॉडल था, उन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट लिया, उन्होंने क्या कहा कि जब आपका लैंडफॉर्म इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आपस में बराबर काम करती हुई चलती है, यानी कि इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस दोनों काम करेंगे, यानी कि उनके मॉडल में, पैंक के मॉडल में इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक दोनों काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उसके बाद इरोजन वर्क चालू होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, होता यह है कि इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स दोनों आपस में काम करते हुए चलेंगे इनके मॉडल में। तो देखते हैं कैसे। आप ये बात ध्यान रखिए कि पैंक जो थे वो जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। पैंक क्या थे, जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। तो उनका क्या था, उन्होंने अपने जर्मन वर्ड्स दिए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो लैंडफॉर्म अपलिफ्टमेंट जो चालू हुआ है, ये जो स्टेज है ये है परमारंभ। परमारंभ क्या है, प्लेन है और उसका अपलिफ्टमेंट चालू हो गया है, तो ये प्री यूथ स्टेज जिसको हमने बोला था डेविसन मॉडल में, लगभग ऐसा ही एक स्टेज है प्रिमारंभ, ठीक है। सेकंड जो उन्होंने बोला कि इसके बाद तीन स्टेजेस, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये है अपस्टिजन डे, ये फर्स्ट स्टेज क्या है, अपस्टिजन डे एंटिकुलम। सेकंड है ये, सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज है ग्लिच फॉर्मिंग, ग्लिच फॉर्मिंग
ग्लिच फॉर्मिंग एंटीबिकुलम, और थर्ड जो है वो है अवस्थी जिंडे एंटीबिकुलम। ठीक है, ये थर्ड स्टेज खत्म हुआ, और ये जो लास्ट जो बचा ये है एंड्रम। ठीक है, यानी कि पैंक का मॉडल प्रेमरम से चालू हुआ, एंड्रम पे खत्म हुआ।